Hey friends, welcome back to educational channel by Ritashu. कैसे हैं आप सब? आशा है friends आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द. Words apparently similar in meaning. First है अनिवार्य, जिसे टाला ना जा सके. आवश्यक, जो जरूरी हो. अस्त्र, हथियार जो फेंका जा सके. बाण, गोला आदि. शस्त्र, जिसको हाथ से चलाया जा सके. तलवार आदि. अनुरोध, बराबर वालों से किया जाता है. प्रार्थना, अपने से बड़ों व पूज्यों लोगों से की जाती है. अहंकार, गुण ना होने पर भी अपने को अधिक महत्व देना. अभिमान, अपने को किसी दूसरे से बड़ा समझना. आदरणीय, अपने बड़ों के प्रति सम्मान सूचक. पूजनीय, गुरु माता पिता के लिए सम्मान सूचक. ईर्ष्या, दूसरे की सफलता पर जलना. द्वेष, किसी से शत्रुतावश घृणा करना. करुणा, दूसरे के दुख को दूर करने की आकुलता. दया, दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाना. आवेदन, प्रार्थना पत्र. निवेदन, नम्रता पूर्वक विचार प्रकट करना. उपहास, अपमान की भावना से किसी का मजाक उड़ाना. परिहास, समान व्यक्तियों में हंसी मजाक. ग्लानी, अपने कुकर्मों पर स्वयं ही पछताना. लज्जा, अनुचित कार्य पर मुंह छुपाना. खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना. शोक, किसी की मृत्यु पर दुख होना. ग्रंथ, बड़ी व धर्म की गंभीर पुस्तक. पुस्तक, कोई भी सामान्य किताब. भ्रांति, उलझन, जैसे अंधेरे में रस्सी को निश्चित सांप समझना. संदेह, वास्तविकता के बारे में अनिश्चय की स्थिति. श्रद्धा, बड़े लोगों से पूज्य भाव. भक्ति, ईश्वर के प्रति हार्दिक निष्ठा. सहानुभूति, दूसरे के दुख में दुखी व दूसरे के सुख में सुखी होना. स्नेह, अपने से छोटों को प्यार करना. अमूल्य, जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके. बहुमूल्य, बहुत कीमती. पुरस्कार, किसी अच्छे काम के लिए दी जाने वाली राशि. पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में दी जाने वाली राशि. विवेक, अच्छाई व बुराई की पहचान. ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की जानकारी. सेवा, किसी को सुख व आराम पहुंचाना. शुश्रूषा, रोगी की सेवा करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. बाय फॉर नाउ. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.